तो आज अपनी किचन में मैं आपके साथ तरोई की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमने बनाई है, बहुत ही हेल्दी सब्जी की रेसिपी है जिसको कि बहुत ही कम तेल मसालों में हम बनाकर तैयार करेंगे। झटपट से आप इसको बना पाएंगे और खाने में बेहद ही लाजवाब है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं, कैसे बना सकते हैं तरोई की बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको लेनी होगी तरोई। मैंने यहाँ पर ली है लगभग आधा किलो के करीब तरोई, जिसको कि मैंने अच्छे से धो लिया था। इसके बाद में इसके एंड्स को इस तरह से हम कट कर देंगे और इसके बाद में तरोई को इस तरह से थोड़ा सा खुरच लेना है। तो इसको हमें छीलना नहीं है, इसको थोड़ा सा इस तरह से खुरच लेना है ताकि इसके ऊपर का छिलका हल्का सा निकल जाए। और ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का ना एक ग्रीनिश सा आपको पेस्ट सा मिलेगा जब भी आप इसको खुरचेंगे, तो कुछ इस तरह से खुरच लीजिए तो गंदगी वगैरह जो भी चिपकी होगी वो भी निकल जाएगी और बाद में तरोई को धो लीजिएगा। तो तरोई को वॉश करने के बाद में इसको हम कट करेंगे। ये देखिए सारी तरोई इसी तरह से खुरच कर रेडी कर लेंगे और इसके बाद में इसको रिंग्स में हमें कट कर लेना है। तो बस इस तरह से इसको गोल गोल आधे इंच के टुकड़ों में काट लीजिएगा। तो तरोई अपने हिसाब से आप छोटा या बड़ा किसी हिसाब से भी काट सकते हैं। तो सारी तरोई को हमने काट कर रख लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे और इसको रखेंगे हम साइड में ताकि इसमें मसाले अच्छे से चले जाएं और ये बहुत ही टेस्टी बने। इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने इसमें डाला है आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर डाला, आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया है, एक चौथाई चम्मच इसमें गर्म मसाला डाला है, आप थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें एक चम्मच के करीब इस्तेमाल करेंगे हम नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने अभी आधा चम्मच डाला है और आधा चम्मच में जब सब्जी बनाऊंगी तब ऐड करूंगी, इसलिए पूरा नमक अभी नहीं ऐड किया है। साथ ही हम इसमें ऐड करने वाले हैं 2 से 3 चम्मच के करीब बेसन। यहाँ पर ये कच्चा बेसन है, बिल्कुल भी हमने इसको भूना नहीं है, बिल्कुल कच्चा बेसन आप 2 से 3 चम्मच इसमें डाल दीजिएगा। और इस तरह से एक बार सब्जी आप बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और कुछ भी आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सारे मसालों को बेसन को आप अच्छे से इसमें मिक्स कर दीजिए, एक चम्मच के करीब डाल दीजिएगा कसूरी मेथी, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और सारी चीजों को अच्छे से मिला दीजिए और इसको इस तरह से ना थोड़ी देर के लिए लगभग 5 मिनट के लिए साइड में छोड़ दीजिएगा। और तब तक चलिए हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। तो पूरी रेसिपी को, पूरी सब्जी को हम बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल में, आप वैसे कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। यहां पर कढ़ाई में हमने डाला है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, ऑयल को अच्छे से हीट कर लें और इसमें डालें आधी चम्मच के करीब जीरा। साथ ही अब इसमें जाएगा थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और इसमें जाएगी प्याज। तो हरी मिर्च डाल दी मैंने और ये अदरक डाला है मैंने कद्दूकस करके, आप कूट कर भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने प्याज को बारीक काट कर इसमें डाल दिया। अब इन सारी चीजों को हम लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो देखिए प्याज को यहां पर 2 से 3 मिनट हमने भून लिया है, इसमें हल्का सा कलर भी आ चुका है, हल्की सी ब्राउन होने लगी है हमारी प्याज। तो अब फ्रेंड्स इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे तरोई जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। तो लगभग 5 मिनट के करीब हो चुके हैं और यहां पर ये तरोई जो हमने बेसन के साथ और मसालों के साथ मिक्स करके रखी थी ना वो हम डाल देंगे। और जो हमारा मसाला है जो भी बर्तन में वो भी हम इसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब इसको हमें मिक्स करना है, इस तरह से तेल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही जल्दी ये सब्जी बनकर तैयार होती है, लंच में आप इसको या डिनर में खाकर देखिएगा, टिफिन में भी आप ले जा सकते हैं। और इसको तरोई को हमें छीलने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली आप इसको खुरच कर इस तरह से बना सकते हैं। एक बात मैं आपको और मजे की बताती हूँ, इस रेसिपी की खास बात यह है कि अगर आप तरोई को अच्छे से धो लेते हैं, बहुत अच्छे से ना नमक के पानी के साथ वॉश कर लेते हैं, गुनगुने पानी में भी ना थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से वॉश कर लेते हैं और उसके बाद में तरोई को अच्छे से पोंछ लीजिए, तो आपको इसको खुरचने की जरूरत भी नहीं है। और बहुत ज्यादा जल्दी में है तो आप इसको ना खुरचें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आप इसको अच्छे से नमक के गुनगुने पानी से धोकर काटकर भी बना सकते हैं। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और ढककर इसको 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर रख दिया था और बीच बीच में इसको इस तरह से हम हिलाते रहेंगे। अब देखिए काफी ड्राई लग रहा है ये, क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है तो सारे पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी तरोई का यानी कि नेनुआ का पानी होगा, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम, मेरे यहाँ तरोई इसको बोला जाता है, तो बहुत से लोग इसको नेनुआ बोलते हैं, तरोई बोलते हैं, गिलकी भी बोला जाता है। तो इस तरह से मैंने इसमें 1/4 कप पानी डालकर ढककर इसको वापस से ढक्कन लगाकर लो मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया। ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूं, हमने इसमें पानी ऐड किया था जिसकी वजह से देखिए काफी सारा पानी और रिलीज हुआ है और तरोई भी काफी अच्छे से पक चुकी है। इसको हमें बिल्कुल मशी नहीं करना है, हमने इसमें छिलका छोड़ा हुआ था जिसकी वजह से इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है।
तो गरम मसाला वगैरह तो हमने पहले ही ऐड कर दिया था, आधी चम्मच नमक मैंने और डाल दिया है, जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में मैंने कम ऐड किया था, और एक टमाटर काट कर डाल दिया। अब मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को और ढककर अगेन हम 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे, जब तक कि टमाटर हमारा सॉफ्ट नहीं हो जाता। और इसके बाद में तुरंत से हरा धनिया डालकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर हमारी ये नेनुआ की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है, यमी बनी है, हेल्दी भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। आप जब भी झटपट से जल्दी में हो ना तो आप कभी भी इसको बना सकते हैं, लंच में सर्व कीजिए, डिनर में कीजिए, रोटी पूरी पराठे किसी के साथ भी ये जाती है, बेहद ही लाजवाब है, टेस्टी है, डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है और हेल्थ के लिए तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है ही। तो कैसे बनाएं गिलकी की सब्जी, ये तो मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने सिखाई है, आपको बनाकर जरूर देखिएगा, खाकर देखिएगा और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू अगेन विद इन रेसिपी, बाय बाय, लव यू, सी यू अगेन विद इन रेसिपी, बाय, टेक केयर।